अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था वो था कि सेट्स को हम वेन डायग्राम के जरिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो 2.2 लास्ट दो क्वेश्चन थे हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 5 के मतलब हमसे वो पूछ रहा है कि यूजिंग द वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम के जरिए आपने क्या बताना है, इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम के जरिए एक ही सेट के अंदर जो भी हमें कंडीशन दी गई होगी तो हम उसको एक ही सेट के अंदर डिफाइन करेंगे। अगर आपको किसी जगह से कोई प्रॉब्लम हो कि आप सिंगल सेट से नहीं डिफाइन कर सकते तो रफ वर्क के अंदर आप उसको चेक कर लें कि कैसे होगा, इसमें कौन सा शेडिंग एरिया होगा, लेकिन जो नीट वर्क में आप करेंगे वो सिंगल सेट ही आप डिफाइन करेंगे। तो देखें, इसका पार्ट नंबर 1 है कि एक कंप्लीमेंट को आपने वेन डायग्राम के जरिए बताना है कि कौन सा आपके पास सेट आएगा। तो एक कंप्लीमेंट, देखिए एक कंप्लीमेंट आपके पास क्या होता है, यू डिफरेंस ए। तो वेन डायग्राम के जरिए आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट लेते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि एक सेट है ए, ये ए सेट है। तो आपने क्या करना है कि यू डिफरेंस ए कि U के वो एलिमेंट लिखने हैं जो A के अंदर मौजूद ना। तो हमारे पास जो शेडिंग एरिया आएगा वो ये सारा है, ये जो A के अलावा हमारे पास ये सारा एरिया है ये हमारे पास किस में आएगा, ये एक कंप्लीमेंट में आएगा। तो ये वो कह रहा था कि आप सिंगल सेट के अंदर डिफाइन करें। इसी के पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू। तो देखिए ए इंटरसेक्शन यू ये हमारे पास आ गया सेट ए कंप्लीमेंट। अब हमें डिफाइन करना है ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू के अंदर ये रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, इसके अंदर हमने ए डिफाइन करना है, ये हमारे पास ए सेट है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट के साथ हमारा ए का इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं। तो देखें यहां पे जो हमारे पास शेडिंग एरिया बनेगा, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू और ए के कॉमन हैं, तो हमारे पास ये शेडिंग एरिया इसका बनेगा। थर्ड है ए यूनियन यू, ए का यूनियन देना है। थर्ड है ए यूनियन यू से। तो देखिए ए यूनियन यू हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट आ गया, ये और ये हमारे पास ए सेट आ गया। अब हमने क्योंकि यूनियन लेना है तो यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम के तमाम मेंबर्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। तो देखें ए के और यू के ये जो सेट ए है ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये यू के बाकी सारे, तो हमने यूनिवर्सल सेट को यू के साथ रिप्रेजेंट किया और ए हमारे पास सेट है, हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन के अंदर हमारे पास होल रीजन हमारे पास ये हमारे पास इसका यूनियन बनेगा, ये होल शेडिंग एरिया आएगा, ये तमाम का तमाम जो शेडिंग एरिया है ये इसका यूनियन कहलाएगा। पार्ट नंबर 4 है इसका, पार्ट नंबर 4 के अंदर है कि ए यूनियन 5, ए यूनियन 5। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ए सेट। हमने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है 5 के साथ। फाइव हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमारे पास ए सेट के अंदर जो है ये तमाम जो है ये शेडिंग है, क्योंकि यूनियन लेना है तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है इसका, 5 इंटरसेक्शन 5, पार्ट नंबर 5 इंटरसेक्शन 5, ये यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका 5 इंटरसेक्शन 5 भी हमारे पास 5 ही कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर है कि यूज वेंट डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेंट डायग्राम के जरिए हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर है, यूजिंग वेंट डायग्राम। नंबर वन है ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है ए डिफरेंस बी। तो हमने वेन डायग्राम के जरिए इसको प्रूव करना है। तो वेन डायग्राम के मुतालिक आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स रह गया है, जस्ट ये हमारे पास अभी बाकी है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये आपने कैसे करना है, कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब उसमें देखें ए डिफरेंस बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपका ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ए बी का सबसेट है, क्या बी ए का सबसेट है, क्या दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्या ओवरलैपिंग सेट हैं, किस नोयत के हैं, तो उसने नहीं डिफाइन किया। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कंडीशन लगा देता हूं कि इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, कंडीशन लगा देता हूं इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अगर ये ओवरलैपिंग सेट हैं तो तब आप जिस इन दो सेट्स के बारे में जो कंडीशन लगाएंगे उन पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वली आएगी। तो मैं जो इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूं वो ये है कि ए एंड बी अगर ओवरलैपिंग सेट हैं तो तब हमारे पास ए डिफरेंस बी क्या आएगा। तो देखें ए डिफरेंस बी ओवरलैपिंग सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये ए सेट है एंड ये बी सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, ये कॉमन शेडिंग एरिया है, ये एरिया ओवरलैपिंग का कारण है। तो देखें ए डिफरेंस बी के अंदर हम ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो बी के अंदर मौजूद ना, तो हमारे पास जो शेडिंग एरिया आएगा वो ये आएगा, ये सारा एरिया आएगा, ये ओवरलैपिंग को छोड़ के ये एरिया। अब मैं इसकी लेता हूं ये इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी, राइट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए अगर आप एक ही इसको सेट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं ठीक, वरना आप क्या करें इसके अलग अलग से बना लें। देखिए पहले मुझे बी कंप्लीमेंट चाहिए, तो बी कंप्लीमेंट मैं ले लेता हूं, बी कंप्लीमेंट यू डिफेंस बी हमारे पास आएगा, तो देखिए यू डिफरेंस ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट एंड देन ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ए और बी के ऊपर कंडीशन ये है कि ओवरलैपिंग है। अब मैंने लेना बी कंप्लीमेंट, तो यू डिफरेंस बी मीन्स के यू के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर मौजूद ना, तो मेरे पास जो एरिया शेडिंग आएगा वो कौन सा आएगा, ये बी को छोड़ के बाकी तमाम का तमाम ये जो एरिया है ये देखें ये बी कंप्लीमेंट के अंदर आएगा ये। अब मैंने बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो देखें ये ए सेट एंड ये बी सेट, ये
यूनिवर्सल है। तो हमारे पास ये बी सेट को छोड़ के ये बाकी सारा इसका कंप्लीमेंट आया, तो उसका इंटरसेक्शन है ना ए सेट के साथ, तो ए हमारे पास ये सेट है और ये एरिया हमारे पास बनेगा इसका ये। तो देखें फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था कि आपने प्रूव करना है वेन डायग्राम के जरिए कि ए डिफरेंस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको यहां पे डिफाइन करके दिखाया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट है प्रश्न नंबर 6 का। ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट, ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी सेट है, तो लेफ्ट हैंड साइड ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर आप एक ही सेट के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप अलग अलग से इसको बना। सबसे पहले आप ए डिफरेंस बी आपको चाहिए, क्योंकि इन्होंने ए एंड बी के मतलब आपको नहीं बताया कि ये इंटरसेक्शन जो आपके पास ए एंड बी सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग हैं, डिसजॉइंट्स हैं, ये आपस में जो है एक दूसरे के सब सेट्स हैं, प्रॉपर हैं कि इम्प्रॉपर हैं। नहीं तो मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा देता हूं कि इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन। आप कंडीशन कुछ भी लगाएंगे लेफ्ट राइट के इक्वल ही आएगी नो मैटर। तो ये आपके पास मैं सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, ये ए सेट एंड ये बी सेट, ये दो सेट जो है आपस में क्या है ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमने लेना ए डिफरेंस बी, ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर मौजूद ना हो, तो ये हमारे पास वो सेट आएगा। सेकंड हमने क्या लेना है कि ए डिफरेंस बी का होल कंप्लीमेंट, और ये होता है यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी। अब देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये ए एंड ये बी, तो देखें यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी हमारे पास बना है ये सेट, उसका डिफरेंस लेना है हमने यू के साथ, तो यू के साथ जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास ये सेट आएगा। अब हमने क्या करना है कि इसका इंटरसेक्शन लेना बी के साथ, थर्ड है हमारे पास देखें कि इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए ये मैं सेट बना रहा हूं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। अब देखें इसके अंदर इंटरसेक्शन में बी का तमाम एरिया जो है इसमें शेड है, तो हमारे पास जो शेडिंग एरिया आएगा वो पूरे का पूरा बी सेट आएगा। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, और सेकंड राइट हैंड साइड में इसकी लेता हूं वो है बी। तो देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट एंड ये बी सेट, तो हमने बी लेना है, तो बी हमारे पास ये तमाम का तमाम सेट है, ये जो शेडिंग एरिया है। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो इसी के साथ हमारी जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, वेन डायग्राम। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने वन बाय वन स्टेप करके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी स्टेप के अंदर कन्फ्यूजन हो तो आप रेलिवेंट टीचर से ज़रूर रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।